मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, बोले विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर, विधानसभा में पौधारोपण भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान, वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा, बोले राज्य में एक नई एवं आकर्षक खेल नीति लागू। ऋषिकेश गंगा में डूबे मुंबई के पर्यटकों में से एक युवती का शव बनावद, अन्य दो की तलाश जारी, तपोवन के पास गंगा तट पर नहा रहे थे। कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 5 लैबों के निदेशकों के घर और दफ्तरों में ईडी का छापा, 30,90,000 रुपए जब्त। उत्तराखंड में 8 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी वंदना समेत 22 महिलाओं को मिलेगा तीलू रोतेली पुरस्कार, पुरस्कारों के लिए चयनित महिलाओं के नामों की घोषणा। उत्तराखंड में चीन सीमा को जोड़ने वाली 3 सड़कें 50 दिन से बंद, सुरक्षा एजेंसियों को भी हो रही परेशानी, सीमांत के लोगों के प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, देहरादून से खबर, जहां पर कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ। देहरादून से खबर, जहां पर कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। त्यागी रोड स्थित संत निरंकारी भवन में कैंप का शुभारंभ। 30 दिसंबर 18 प्लस का वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। त्यागी रोड स्थित संत निरंकारी भवन में वैक्सीनेशन का शुभारंभ। देहरादून से खबर, जहां पर कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। त्यागी रोड स्थित संत निरंकारी भवन में कैंप का शुभारंभ किया गया। लक्ष्य रखा गया है कि 30 दिसंबर तक 18 प्लस का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। देहरादून से खबर, कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ। और अब बढ़ेंगे खबरों में। खबर खटीमा से है, जहां पर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में इन दिनों सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पुष्टाहार की घटतौली व गुणवत्ता को लेकर लोग झुक चल रहे हैं। कुछ दिन पहले जनप्रतिनिधियों व लाभार्थियों की ओर से आरोप लगाया गया था कि यह गोरख दंडा साल 2019 से अनवरत चल रहा है और इसी को लेकर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए एक ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया था। लेकिन खटीमा वार्ड नंबर 13 की आंगनबाड़ी केंद्र में स्थानीय लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने घटतौली और घटिया गुणवत्ता का मामला पकड़ा, जिसको लेकर एसडीएम और तहसीलदार से वार्ता करते समय प्रतिनिधियों के साथ काफी नोकझोंक हुई। समाजसेवी ने बताया कि चना दाल दलिया आदि सामानों के पैक में 100 से 150 ग्राम की कमी पाई गई है। उन्होंने बताया कि मामला एसडीएम तहसीलदार के संज्ञान में लाने पर उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। वहीं खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि सामान सीज कर संबंधित सुपरवाइजर को सुपुर्द कर दिया गया है, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। 370 ग्राम है, ये है, आपके सामने ही खुलेगा ये, और वही तोलोगे। खबर काशीपुर से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के नई नवेली बने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कुमाऊं दौरे का आह्वान किया। कुमाऊं का दौरा कहने वाले जसपुर के बाद नेता प्रतिपक्ष देर शाम काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से नेता प्रतिपक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश को मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला बना दिया है, जहां 3 अलग अलग मुख्यमंत्री बनाकर जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर नहीं दिए। किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है, कोरोना की महामारी से निपटने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आज हालत ये है कि सरकार सर से पांव तक घुस।
और खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से औपचारिक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा CRIF के अंतर्गत 615 करोड़ रूपए 42 सड़क मार्ग के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 7 सालों में अभूतपूर्व कार्य उत्तराखंड राज्य के लिए किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यालय में CRPF के अंतर्गत विभिन्न कार्य हेतु विगत वर्ष 508 करोड़ की स्वीकृति के कार्य गतिमान है। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मोदी जी जब सबसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अभी तक जो उनके 7 वर्षों का लगभग कार्यकाल हो गया है, इन 7 वर्षों में बहुत ही मैं कहूँ कि अभूतपूर्व काम उत्तराखंड राज्य के लिए हुए हैं। उसमें से मैं कई बार आप सब लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज औपचारिक रूप से चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ऑल वेदर रोड है, उसमें कई हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर स्वीकृति हुई है। 615 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRF उसके माध्यम से। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता से, जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एवं सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता। देहरादून विधानसभा में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की अध्यक्षता में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के अंतर्गत चीनी मिलों के प्रबंधकों को चीफ इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि मैन पावर की कमी आई तो अवगत कराया जाए। इसके साथ ही उनके द्वारा चीनी मिलों को चलाने से 15 दिन पूर्व चीनी मिलों के मेंटेनेंस का कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को घाटे से बाहर निकालने के लिए हर संभव उपाय किए जाए। आज हमारे डोईवारा सुगर मिल, किच्छा नादई बाजपुर, इनके जो हमारे वहाँ के प्रबंधक हैं और जो वहाँ के चीफ केमिस्ट और इंजीनियर हैं, उनके साथ आज हमने समीक्षा बैठक की और उनसे पूछा कोई दिक्कत तो आपको नहीं है मेन पावर की, और समय पर सुगर मिल चलें। सुगर मिल चलने से पहले 15-20 दिन पहले हमारा शुगर मिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत अगर आप लोगों को है तो आप हमारे को बताएं, अगर आप लोगों के कारण उसमें कोई दिक्कत अगर की जाएगी तो उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर नगर पालिका बड़कोट के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन है। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से जिससे कि बड़कोट बाजार में चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ है। बड़कोट व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों ने फैली गंदगी को देखते हुए अधिशासी अधिकारी के ट्रांसफर को लेकर ढोल नगालों के साथ बड़कोट चौराहा से नगर पालिका ऑफिस तक जुलूस निकाला और सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। वहीं सभी व्यापारियों ने एक सुर में ईओ के ट्रांसफर की मांग की है। जब तक ये सीओ की बदली होगी हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। आप बाकी सारा लोगों का समर्थन मिला, हम लोगों व्यापार मंडल का, सदस्यों का, चेयरमैन साहब का, सभी का हमारा सहयोग मिला है। जब तक ये इनकी बदली नहीं होगी हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, जब तक इनकी बदली हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जोगरा ने देहरादून में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार युवाओं को पूरी तरह रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है और पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है जबकि युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटकते रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार के वादे को लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई और 6 महीने के भीतर सभी रिक्त पदों को भरने के साथ नए पदों के सृजन का भी दावा किया था, लेकिन 4.5 सालों में दोनों मुख्यमंत्रियों ने युवाओं को सिवाय झुंझने के कुछ नहीं दिया है। कुल मिलाकर 2022 के चुनावों को देखते हुए सीएम धामी भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर दोनों पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और तीरथ चले थे।
प्रचंड बहुमत की सरकार ने 4.5 वर्षों में पूर्व दो मुख्यमंत्रियों ने हर वर्ष ये कहा कि हम इस वर्ष को रोजगार वर्ष मना रहे हैं, लेकिन 4.5 वर्षों में 1,000 विज्ञप्ति भी नहीं निकली। 50,000 पद रिक्त हैं समूह ग घ और इससे नीचे के। पीसीएस की परीक्षा 5 साल से नहीं करा पा रहे हो, विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। 2016 के बाद से विज्ञप्ति नहीं निकली। जो सीएमआई के मानक हैं, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में बेरोजगारी 5 गुना अधिक बढ़ गई है। आपने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा जो 1218 लोगों की होनी थी, 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया, 1 लाख ने क्या कहते हैं परीक्षा दी, उसका रिजल्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आज तक नहीं निकला। नरसिंह रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस वॉल के स्थित स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमारी कर 4 युवक व 6 युवतियों को हिरासत में लिया है। साथ ही स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है। हिरासत में लिए गए युवकों व युवतियों से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। तलाशी के दौरान कमरे में आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई। हल्द्वानी के बाद उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय में भी स्पा सेंटर में COCT अमित कुमार के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। COCD अमित कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए 4 युवक और 6 युवतियों से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। हिरासत में ली गई युवतियों में अधिकांश युवती दिल्ली की हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भुवन कापड़ी पहली बार उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने कोई काम नहीं किया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगामी 2022 में होने वाले चुनाव में घर घर जाएगी और भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों का खुलासा करेगी। मोहन कापड़ी ने दावा किया है कि आगामी 2022 के चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के पास देखिए युवाओं को सुरक्षित, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है न्याय। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देकर युवाओं के साथ न्याय करेगी, महंगाई के रोक कर आम आदमी के साथ न्याय करेगी। कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और जो है महिला सशक्तिकरण, इन सारे मुद्दों को लेकर, पलायन और जो आज प्रवासी आए हैं जिनको ये पूछ नहीं रहे, इन सब मुद्दों पर को लेकर चुनाव में जाएगी और 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। सितारगंज में 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत आशा कार्यकर्ताओं से धरनास्थल पर मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अजय जायसवाल ने उनके आंदोलन का समर्थन किया। इस बीच आंदोलनकारियों की सुनवाई न होने पर रोष जताया गया। जायसवाल SC/ST के भारत में मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठी आशा वर्करों से कहा कि उनकी जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। आशा वर्करों ने कोरोना महामारी में बड़ी मेहनत से काम किया है, सरकार उनके हक का हनन कर रही है। साथ ही कहा कि वह आशा वर्करों के साथ हमेशा खड़े हैं। सतारगंज में वन कर्मियों ने तस्करी कर ले जा रही खैर की लकड़ी के 19 गिलचे बरामद किए हैं और तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी कब्जे में लिया गया है। तस्कर भागने में सफल रहे। बताया गया कि बाराकोली रेंज के स्टाफ ने सूचना पर खैर की लकड़ी से लदी पिकअप का पीछा कर पीलीभीत रोड पर पुलिस के साथ संयुक्त प्रयास से पकड़ा। पिकअप में खैर के 29 गिलटे लदे थे। वाहन का चालक व तस्कर मौका पाकर फरार हो गए। वन कर्मियों ने वाहन को अपनी अभिरक्षा में लेकर वन परिसर में विधिक कार्रवाई हेतु खड़ा कर दिया। तराई पूर्वी वन विभाग श्री संदीप कुमार साहब और उपप्रभागीय वन अधिकारी सितारगंज श्री शिवराज चंद जी के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है मानसून गश्त के दौरान। तो इसमें हम रात्रि गश्त में थे तो हमको खबर मिली, पुलिस ने हमको खबर दी कि एक गाड़ी भाग रही है, उसके पीछे हम भी गए तो मल्टीप्लस हॉस्पिटल के पास अमरिया रोड में ये पिकअप UK06CA634 नंबर जो है इसका एक्सेल टूट गया था। इसमें से ड्राइवर और एक आदमी और विपरीत दिशाओं को भाग गए। अभियुक्तों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। वन्य जंतुओं के लिए और वन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है।
लक्सर भोडरी मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक कुआखेड़ा गांव निवासी 16 वर्षीय विपिन अपने साथी राहुल के साथ बाइक पर सवार होकर लक्सर से अपने गांव लौट रहा था। बताया जा रहा है कि ये जैसे ही भोडरी मार्ग पर पुलिया के निकट पहुंचा तो सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया, जिससे कि विपिन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उसका साथी राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और ट्रैक्टर ट्रॉली को उतवारी में ले जाकर सीज कर दिया। तब मैं घर जा रहा था, पिंटो का ट्रैक्टर था, जलन हो रहा था, लक्सर की ओर जा रहा था। बस अचानक जो है यहाँ जगह कम थी तो ट्रैक्टर ने जो है साइड दाब रखी थी, उधर से कट मार दिया एकदम। कट मारेगा जब कट मत जो आई जाए। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। सम्मानीय श्री बी एल संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधामोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम भाई मकोड़िया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के सभी नव निर्वाचित अध्यक्षगण, विकास खंडों से जुड़े हुए सभी हमारे ब्लॉक प्रमुखगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबके निर्वाचन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और विकास की धुरी कही जाने वाली त्रिस्तरीय पंचायत के प्रमुख के रूप में आपके सम्मेलन में प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों और 825 ब्लॉक प्रमुखों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव किन परिस्थितियों में हम लोगों ने करवाए थे। ये चुनाव एक साल पहले ड्यू था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हमें चुनाव स्थगित करना पड़ा था। चुनाव स्थगित होने के बाद लगातार चुनाव हो न हो इसके बीच में एक दुविधा की स्थिति बन रही थी और अंततः प्रदेश सरकार ने पंचायत के चुनाव का निर्णय लिया। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ हुई तब तक दूसरी लहर ने भी अपनी आहट प्रदेश के अंदर देनी प्रारंभ कर दी थी और एक समय तो ऐसा आया था जब पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही थी तो द्वितीय लहर चरम पर पहुंच गई। लोगों को कुछ नहीं, उस समय एक ही आरोप विपक्ष लगा रहा था और लगा रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए, उनको विकास से कोई मतलब नहीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे और पंचायत चुनाव को भी संपन्न करेंगे और अंततः पंचायत के चुनाव प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सकुशल संपन्न हुए, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 870,000 से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और ये प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न हुआ है और इसमें जब समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते।
825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे संपन्न? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए। और मैंने तो कुछ जगह ये भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दिशा से जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया, और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन आज आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। नड्डा जी संगठन और सरकार के अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुरुत्वर बाहर निर्वहन कर रहे हैं। और इस दायित्व के निर्वहन के साथ उनके पास जो एक लंबा अनुभव है, हम सब जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मैं स्वास्थ्य का विषय इसलिए भी छेड़ रहा हूं क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए लोगों का यह विषय होना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को अगर नियंत्रित करना है तो उसमें आपकी भूमिका सर्वविदित है। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, संगठन के विभिन्न दायित्वों के रूप में और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका योग्य मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। उनके कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने स्वघोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था, यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था। उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे और उन्होंने बाहर ये मैसेज दे दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया है, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके योग्य नेतृत्व में इस देश ने कोरोना की पहली लहर को भी, कोरोना की दूसरी लहर को भी प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। गरीब कल्याण अन्न योजना हो या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किए गए कार्य, एक एक गरीब आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में चिंता कभी नहीं छोड़ी। जब देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, सबको खाद्यान्न देंगे, सबको अन्न देंगे, जनधन अकाउंट धारी सभी महिलाओं के अकाउंट में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, विधवा महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर भी प्रधानमंत्री जी ने बांटे। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न की, अन्न की व्यवस्था। अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरी लहर में मई 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक की, अभी आपने परसों के कार्यक्रम में आप सभी भागीदार बने होंगे, कितना अच्छा इवेंट बना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गांव गांव में लाभार्थियों से बातचीत प्रारंभ की,
और कैसे लोगों के मुंह से आशीर्वाद निकल रहे थे। कुशीनगर की वह महिला हो, कुसमावती देवी वाराणसी की बादामी देवी रही हो, या फिर प्रदेश के अन्य सहारनपुर की लाभार्थी रही हो, या झांसी के लाभार्थी रहे हो, या सुल्तानपुर की लाभार्थी, हर एक के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि प्रधानमंत्री जी आपने संकट के समय में हमारा सहयोग किया है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही तो सबने आशीर्वाद दिया था, जो संकट में सहयोगी है वही सच्चा साथी है। और संकट के समय में 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, वृद्धजनों को बिना भेदभाव के पेंशन के अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, दिव्यांग जनों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सबको भी अतिरिक्त सहायता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को आह्वान करते हुए आगे बढ़ाया गया। फ्री में उपचार की व्यवस्था कराई गई पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर पहली बार ये चीजें देखने को मिली कि जब किसी महामारी के आने के बाद, खासतौर पर इस प्रकार की जब महामारी आती है, वैक्सीन या दवा इसकी नहीं आ पाती है। 1947 से तमाम बार अलग अलग बीमारी आई, किसी का वैक्सीन नहीं आया, डेंगू का आज तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। सॉर्स और वर्ल्ड फ्लू जैसी तमाम बीमारियां आई, इनकी कोई वैक्सीन नहीं आ पाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान अगर कोरोना जैसी महामारी आई तो 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी फ्री में सबको देने की कार्रवाई हो गई। और यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से विकास कार्य प्रगति पर है, लोगों की मदद की जा रही है, गरीबों का जो हक है उसे अब घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।